स्वागत है आप सबका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल में। और इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कार्बनिक अम्ल को याद करने की ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिक्स क्यों ज़रूरी होती हैं, देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी क्लास में हैं, लाइक इन 10th क्लास के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम अब उस चैप्टर को पढ़ेंगे और पेपर हम देंगे साल बाद या 6 महीने बाद, तो उस टाइम तक उसको याद रखने के लिए हम अगर ट्रिक्स की हेल्प लेते हैं तो एग्ज़ाम में वो टॉपिक आता है, तो अगर हमने ट्रिक्स के थ्रू याद किया हुआ है तो हमें जो है 100% ट्राइक उसके आंसर कर जाती हैं। शुरू करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक एसिड्स, सो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं और इसीलिए इनको हम एडिबल एसिड्स भी कहते हैं। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह। अगर कोई भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसके साथ अगर ये ग्रुप लग जाता है, ये समूह लग जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो जो है एक एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिथेन है, अब इसके साथ COOH ग्रुप लग गया तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड और इसको हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक यानी इसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। फॉर्मूला इज COOH होल ट्वाइस। और ये ऑक्सैलिक एसिड, ये एक स्टोन फॉर्मिंग एसिड है। किडनी स्टोन है, जो भी स्टोन फॉर्मेशन होती है, दैट आर ड्यू टू ऑक्सैलिक एसिड। अब इसको याद कैसे करना है हमने, तो देखिए, इसके अंदर आप इन टू वर्ड्स को अलग कर लीजिए, ऑक्स और अली। तो इसको हमने कैसे याद रखना है कि इसके सोर्सेज क्या होंगे। सोर्सेज ये होंगे कि ऑक्स है और ऑक्स ने अली के जो टमाटो, पियर, कैबेज यानी जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी खा ली हैं। अब इसके यूजेस हमें याद रखने हैं, तो यूजेस के लिए हम क्या करेंगे कि अली जो है, अगर अली कहाँ गया था, यानी ऑक्स ने अली की जितने भी वेजिटेबल्स खाई हैं, तो अली वहाँ पर नहीं होगा, तो अली कहाँ गया था, तो अली के जो कपड़े हैं उनके ऊपर स्टेन लग गए थे, लाइक इंक स्टेन है, तो रस्ट लग गया, तो उनको जो है साफ़ करने के लिए अली गया था। सो दिस ऑक्सैलिक एसिड, इट एक्ट एज अ रस्ट रिमूवर और एज अ क्लीनिंग एजेंट, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड इज सिट्रिक एसिड। अब देखिए, सिट्रिक एसिड में हमें इस ट्री को याद रखना है कि हाँ, सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, तो ये ट्री जो है, आप देखोगे कि एक ट्री है हमारे पास और उस ट्री के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे फ्रूट्स कैसे हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं। यानी जो सिट्रिक एसिड होगा वो मेनली किस में मिलेगा हमें, खट्टे फलों में। तो सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो, जितने भी खट्टे फल हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और इसके यूजेस क्या होंगे, इट विल एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, यूज टू एड श्योर टेस्ट टू फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जहाँ भी हमें खट्टे की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम सिट्रिक एसिड को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट एसिड इज टार्ट्रिक एसिड। देखिए, टार्ट्रिक एसिड को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसमें आपको टी ए से ध्यान रखना है कि टी ए स्टार्टिंग में गिवन है और टी ए यानी ये टैमारिंड में होगा। तो टी ए, तो इसके सोर्सेज क्या होंगे, टैमारिंड यानी इमली, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। नाउ यूजेज, देखिए यूजेज में इसको कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो टैमारिंड है यानी इमली है, उसको हम किचन में यूज़ करते हैं और किचन में हम बेकिंग पाउडर को भी यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इमली खट्टी होती है और केक कैसा होता है, मीठा होता है। आपको इमली याद हो जाएगी तो उसे आप याद रख सकते हो कि केक जो है वो मीठा होगा। और केक को किससे बनाया जाता है, केक में क्या डाला जाता है उसको फुलाने के लिए, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही जो केक है या पकौड़ा है, पूरी है, उनमें हम यूज़ करते हैं तो वो स्पंजी हो जाती हैं। सो इमली वो भी किचन में यूज़ होती है, बेकिंग पाउडर भी किचन में यूज़ होता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी करके याद कर सकते हो कि इमली खट्टी है और केक मीठा है, तो उसको और केक में क्या डलेगा, बेकिंग पाउडर। तो टार्ट्रिक एसिड उसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज इज, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्रीम ऑफ टार्टर। क्रीम ऑफ टार्टर बनाने में इसका यूज़ होता है, जिसको हम कैंडीज बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड।
अब इसको याद रखने के लिए देखिए, फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल यानी मिथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या होगा, HCWH, सबसे सिंपल एसिड है। इसको याद करने के लिए आप यहाँ से ये वर्ड उठाइए, फॉर्म, यानी एक तरह से ये साउंड कर रहा है फार्म, यानी जो फार्म हाउस होता है, ये हमारे पास एक फार्म हाउस है और इसके अंदर आपको बीज भी मिल सकती हैं, एंट्स या नेटल लीव्स। और ये इम्पोर्टेंट है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो इन स्टिंग ऑफ बी एंट इनके अंदर होता है, और जो नेटल लीव्स होती हैं उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है, और जब ये हमें काटती हैं, बी है एंट है, तो हमें जो पेन होता है दैट इज़ ड्यू टू दिस फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है। नेटल लीव्स अगर हमें टच कर जाती हैं तो भी हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, जिससे हमें पेन होता है, और उसको उदासीन करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के पास में एक प्लांट होता है, डॉक्स प्लांट। ये भी हर्बेसियस प्लांट है, नेटल लीव्स ये भी एक नेटल प्लांट, ये भी एक हर्बेसियस प्लांट ही होता है। तो अगर हम डॉक्स प्लांट लगा दें नेटल लीव्स जहाँ पर हमें जो है टच करती हैं, तो पेन से जो है रिलीफ मिलता है। नाउ इट्स यूजेज, इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एंड इट इज़ यूजफुल ऑर्गेनिक सिंथेटिक रिएजेंट। नेक्स्ट एसिड इज लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक अम्ल। अब इसको देखिए कैसे याद रखना है हमें, इसके अंदर आप लैक वर्ड को याद रखोगे कि हाँ लैक, लैक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाख। लाख यानी कौन सा ऐसा फूड है जिसके अंदर लाखों गुण हैं, यानी एक कंप्लीट फूड, तो वो कौन सा होता है, मिल्क। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो लैक वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होगा, मिल्क के लिए। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, दैट इट इज़ प्रेजेंट इन शॉर मिल्क, खट्टे दूध में, कर्ड, इनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट यूज इट एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एज वेल एज फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ से आप एसी को अलग कर लीजिए, यानी एसी चल रहा है और आप फ्रूट जूस पी रहे हो, तो यानी इसका सोर्सेज क्या हो जाएगा, फ्रूट जूसेस के अंदर एसिटिक एसिड जो है वो मिलता है, और सेकंड कर्ड के अंदर भी एसिटिक एसिड मिलता है, मेनली इसके सोर्सेज हैं। और अब यहाँ से इसके यूजेस याद करने के लिए कि जो फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस से हमने वाइन बनाई घर पर ही, उससे हमने क्या बना ली, वाइन। तो यानी इसके यूजेस क्या हो जाएंगे, दैट एसिटिक एसिड इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर यानी सिरका, जिसको हम पिकल्स में यूज़ करते हैं। और जो एसिटिक एसिड का मेन सोर्स होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इसको तैयार किया जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इथेनॉल से उसको ऑक्सीडेशन के द्वारा यानी उसका उपचयन करवा दिया जाता है, जिससे कि वो फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट यूज़ है कि विनेगर में, विनेगर जो है वो कौन सा एसिड होता है, दैट इज़ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज़ बेंजोइक एसिड और बेंजोइक अम्ल। तो इसका लार्जेस्ट सोर्स क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी द गम ऑफ द चाइनीज बालसम प्लांट, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेनली फ्रूट्स में भी पाया जाता है। और इसका सेकंड जो नेम है जो हम इसको दे सकते हैं, दैट इज़ गम बेंजोइन इसका नाम है। एंड व्हाट आर द यूजेस हेयर, इट इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जेली, जैम, पिकल्स, सॉसेस एट्सेट्रा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसन्स, यानी दवाइयों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इम्पोर्टेंट एसिड है, एंड द सोर्सेज ऑफ दिस एसिड दैट इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट इन एप्पल्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली मैलिक एसिड है वो एप्पल्स में पाया जाता है, और अदर सोर्सेज क्या हैं इसके, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, मैंगो, उनके अंदर ये पाया जाता है। एंड व्हाट आर द यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज इन बेवरेजेस और वाइन्स, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, एंड इन मेडिकल प्रोडक्ट्स लाइक कप सिरप, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ फ्लेवर एनहांसर, फ्लेवर देने के लिए भी मैलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत सारे हैं, बट हमने यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो यहाँ से 10 मिनट के अंदर ही आप सारे के सारे एसिड्स याद कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे एसिड्स याद भी हो गए होंगे साथ के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।